इस वक्त रात को बज रहे हैं 10 और हम जा रहे हैं अपनी लाइब्रेरी में रेड मारने। संडे का दिन है, हालांकि आज बच्चे बहुत कम मिलेंगे, बट स्टिल एक रेड मारना है क्योंकि बच्चे ने प्रॉमिस किया था कि सर हम पढ़ाई करते हैं, लेट्स सी। और हमारे साथ दो लोग हैं, दुष्यंत जैन है। और दुष्यंत जैन के साथ कौन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कौन है भाई? ओए ये कौन है, कौन है ये? हाय बोलो, हेलो बोलो, हेलो। सो हम दो एजेंट निकल चुके हैं इस गुप्त मिशन पे, देखते हैं क्या होगा जल्दी से। और सीएस के बच्चों को तो पढ़ाई ढेर सारी करनी चाहिए। लेट्स सी, सीट बेल्ट लगा लेते हैं और हम पहुंच जाते हैं। और हमारे साथ दो एजेंट हैं, एजेंट दुष्यंत और एजेंट छोटू, आपके बगल में दिख रहे हैं। यस। और अब हम लगाते हैं गियर, मतलब ऑटोमेटिक गियर लगाते हैं और हम निकल जाते हैं रेड मारने। सो कहाँ पे पहुंचे हम और कैसा है ये आपके साथ हम शेयर करेंगे लाइब्रेरी में जाके, बच्चों की लाइब्रेरी में। लाइट जलाना भूल गए हम, लाइट भी ऑन करेंगे। लेट्स सी, आपको आज मैं लाइब्रेरी की भी दर्शन कराऊंगा कि लाइब्रेरी कैसी होती है। और कई स्पेशली मैं जैसे छोटे शहर से हूँ, तो छोटे शहरों के बच्चों को ऐसा लगता है मोस्टली कि लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं, सॉरी जहाँ पर किताबें पढ़ते हैं, बट लाइब्रेरी में एक्चुअली यहाँ पर पढ़ाई होती है। सो मैं वीडियो बंद करूँगा, डायरेक्टली मैं लाइब्रेरी के अंदर रेड मारेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सो इस वक्त 10 बज रहे हैं और हम अपने क्लास की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे रेड मारने आए हैं। तो लेट्स सी कौन, और छोटू भी है मेरे साथ, लेट्स सी देखते हैं पढ़ाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। दादा पढ़ाई कर रहे हैं सर। भाई क्या हाल चाल? सो आज संडे है तो लाइब्रेरी में कोई दिखा नहीं, सिर्फ हमको हमारे फेवरेट दादा दिखे हैं जो एक ज़बरदस्त एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। और मैंने आज रेड इसलिए मारी क्योंकि सब मुझे बोलते हैं कि सर हम पढ़ाई करता रहता हमेशा। तो ये लाइब्रेरी में मोस्टली अपने ही बच्चे ना, बट अभी गायब थे। सो मेरे ख्याल से इस बार सबसे अच्छा स्टूडेंट होने का अवार्ड दादा को ही मिलना चाहिए। दादा ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो पापा तो एकदम खुश रहेंगे ना, पापा को लिंक शेयर करेंगे। 10 बजे मैं पढ़ाई कर रहा था तो आज नहीं आया। आज सब लोग क्यों नहीं आए? लेकिन आज घूमने गया सर। सब घूमने गया ना, क्योंकि मंडे टू सैटरडे अच्छा पढ़ लेता है। 8 बजे तक थे, उसके बाद निकल गए सब। चलो कोई नहीं कोई नहीं। तो ये मेरा एक रेड मारने का तरीका था, क्योंकि मैं चेक करता रहता हूँ सब बच्चों को कि वो रात को भी पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब सिलेबस चूँकि ख़त्म हो गया है तो पढ़ाई करने का टाइम, और आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए, आपके टीचर्स भी नज़र रखें आपके ऊपर। सो बच्चों वी हैव रीच्ड हाफ द वे, आधे रास्ते पे हम आ गए। सामने सिग्नल लगा है इसलिए मैंने वीडियो ऑन किया। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, लेट्स सी क्या होता है, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे और जो बच्चे नहीं होंगे वो भी बोल रहे होंगे, आज गाली दे रहे होंगे कि साला रेड उस दिन पड़ी जिस दिन हम गायब थे, क्योंकि आज संडे है तो बच्चे शायद कम मिले। लेट्स सी, बट हम जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बच्चे पढ़ाई बहुत तगड़ा करते हैं, हो सकता है वहाँ बच्चे कम मिले बट स्टिल बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बट स्टिल रेड मारना ज़रूरी है। तो हम, मैं और एजेंट छोटू दोनों निकल चुके हैं। लेट्स सी।